हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है, उनके गांव का रहने वाला राशन डीलर दबंगई दिखाता है। एक यूनिट पर 3 या 4 किलो राशन देता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। काफी बार शिकायत कर ली, लेकिन कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा। कभी कभी राशन डीलर ग्रामीणों से ये भी कह देता है कि उसकी तो इच्छा ही नहीं राशन बांटने की। प्रताड़ित ग्रामीण बार बार शिकायत कर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राशन डीलर का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। हापुड़ से संवाददाता अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। समस्या यह है जी, हमारा जो डीलर है विजय कुमार जी, राशन पूरा नहीं देता एक बार भी जी। और पिछले साल तो मैं भाई फेस मुझसे यूँ कह दिया, अगर देखो जी मैं तो इसका इच्छुक ही नहीं, कोई ही ले लो जी, पर दूंगा इतना ही, मेरा अपना भी तो परिवार है, 4 किलो दे रहे। बस समस्या यही है जो मास्टर जी बता रहे हैं जी, अगर कुछ कहें तो लड़ने को आराम है। अच्छा, तो दूसरा 5 किलो दे रहे बेचारा। हमें भी तो चाहिए कुछ। अच्छा, हमें भी चाहिए। हाँ, अगर ये बोलते हैं भी यूनिट पर 5 किलो मिलता है जी, तो हमें भी तो चाहिए कुछ। मुझे अपने डीलर से शिकायत है, जो राशन विक्रेता है यहाँ पर विजय कुमार, वो कभी टाइम पर राशन नहीं देता था, हमें 4-4, 5-5 बार चक्कर कटवाता था। सुबह जाओ शाम को बोलता था, शाम को जाओ सुबह बोलता था। और जब से सरकार ने ये कर डिसीजन लिया है कि कोई आदमी कहीं से भी राशन लेता है ले सकता है, तो वो अपने पड़ोसी गाँव सलारपुर से राशन लेना शुरू कर दिए थे। वहाँ हमें पूरा राशन मिलता था, समय से मिलता था, लेकिन इसने वहाँ पे हमारा जो है गलत रिपोर्ट लगवा के पटवारी उस सेक्रेटरी जी से और हमारा राशन कार्ड कटवा दिया कि इनके पास में गाड़ी है, कार है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आगे मेरी जांच करी जाए, अगर मेरे पास है तो मेरा राशन कार्ड ना जोड़ा जाए, नहीं तो जोड़ दिया जाए। हम उसकी मनमर्जियों से परेशान हैं बहुत सारे आदमी, पहले भी उसकी बहुत शिकायत हुई है, और मैंने इसकी शिकायत राशन कार्ड कटने की मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की हुई है, जैसे लगभग 15-20 दिन हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई उसकी हुई नहीं है। ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, अगर हम योग्य नहीं हैं तो सबकी ऐसी इस तरीके योग्यता के अनुसार सबके राशन कार्ड काटे जाएं, जो गांव में उचित है फिर उसको मिले, जो नहीं है उसको ना मिले। अब मेरे से तो ज़्यादा प्रॉपर्टी वालों को राशन मिल रहा है, ये एक उसने अपनी रंजिश निकालने के लिए कि हम सिलारपुर से राशन ले रहे हैं इसलिए राशन कार्ड कटवाया, और कोई बात नहीं है। एक गाँव के राशन डीलर हैं विजय कुमार, उनके खिलाफ पहले भी बहुत शिकायतें होती रही हैं। मैंने भी आज से 8-10 साल पहले इसकी शिकायत की थी कि ये गंदा राशन बांट रहा था, और फिर आगे से दूसरे लड़ने झगड़ने के लिए मारपीट के लिए उतावला हो जाता है। तो मैं शिकायत की थी, इसको समझाया भी, गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत बार समझा लिया, लेकिन इसकी शिकायतें हमेशा होती रहती हैं। 4 किलो राशन देना, अभी 10 दिन पहले मेरी एक परिवार की मेरी चाची मेरे पास आई कि भाई मुझे 35 किलो 9 यूनिट पर 45 किलो की बजाय 35 किलो राशन दिया है और पैसे ज़्यादा लिए हैं, और कह रहा है कि इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा जहाँ मिलता हो ले। मैंने उनसे बात किया तो मैं उनको समझाया, लेकिन उसने समझने के बजाय गुस्सा किया। फिर मैंने उसकी शिकायत सीडीओ मैडम से की थी, तो सीडीओ मैडम की बात कराई थी, जो हमारी चाची है उनसे बात कराई थी, तो मेरे पास DSO कार्यालय से फोन आया था, सुमित करके कोई बाबू हैं कि यह पूरा राशन दिया जाएगा, लेकिन पूरा राशन उस समय दिया तो पैसे एक्स्ट्रा बन गए, तो इसकी बहुत सारी ये नहीं होना चाहिए। लोगों की कंप्लेंट तो मेरे पास भी आई थी, वो कंप्लेंट आगे बढ़ाई गई है और कुछ साइन करा के मैंने मोहर लगाया का वो एप्लीकेशन आगे पहुँचाई थी, और मेरी फोन पे भी बात हुई थी, उनका आने का टाइम था, अभी उनको टाइम शायद मिल नहीं पाया, गंगा स्नान शुरू हो गया था, अब गंगा स्नान के बाद कैसे भाई नंबर भीड़ है जी, जी देखना पड़ेगा, और इनके सीनियर हैं जो जी, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने टाइम दे दिया है, वो करेंगे आके देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कानून का डीलर बदले जाएंगे।